गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम्हारा एग्जाम है, क्लास जल्दी छोड़ देंगे, है ना? आगे सब कहाँ थे कल पिछले वाली क्लास में? रैपिड सेंड फिल्टर पढ़ रहे थे ना? रैपिड सेंड फिल्टर। अच्छा, हाँ, रैपिड सेंड फिल्टर। इसका क्वेश्चन करिए, एक इसका क्वेश्चन लिखिए। रैपिड सेंड फिल्टर टू बी प्रोवाइडेड, रैपिड सेंड फिल्टर टू बी प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड इन अ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन अ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोसेस द वॉटर टू प्रोसेस द वॉटर फोर टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ टू लैख 75,000 275,000 द वॉटर डिमांड इज वॉटर डिमांड इज 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आर अलाउ अलाउ 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर, अलाउ 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज
टू मीट द बैकवे या बैकवॉश रिक्वायरमेंट, टू मीट द बैकवॉश रिक्वायरमेंट, बैकवॉश रिक्वायरमेंट ईच बैकवॉशिंग पीरियड इज ऑफ 30 मिनट, ईच बैक वॉशिंग पीरियड इज ऑफ 30 मिनट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, डिटरमाइन नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड अलाउइंग वन एज स्टैंड बाय, अलाउइंग वन एज स्टैंड बाय। द अवेलेबल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर यूनिट इज, अवेलेबल सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर यूनिट इज 10 मीटर इंटू 4 मीटर, 10 मीटर इंटू 4 मीटर। क्या कहा है इसने, एक कोई टाउन दिया है, टाउन की पॉपुलेशन पता है, उस पॉपुलेशन का एलपीसीडी पता है आपको, डेली कितना पानी चाहिए। तो हम मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लेंगे, क्योंकि फिल्टर डिजाइन होता है फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, तो यहां से मैक्सिमम डेली डिमांड निकाली जाएगी। मैक्सिमम डेली डिमांड में आपको 5% ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये बैक वॉशिंग के लिए चाहिए। ठीक है, फिल्टर्ड ऑफ वाटर स्टोरेज टू मीट द बैक वॉश। उसके बाद क्या कर रहा है, ईच बैक वॉशिंग पीरियड इज ऑफ 30 मिनट, मतलब ये जो पानी फिल्टर होगा, ये पानी कितनी देर में फिल्टर होगा, 23.5 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे में से आधा घंटा बैक वॉशिंग में लग जाएगा, तो बैक वॉशिंग की पूरी पीरियड बैक वॉशिंग में लगेगा, तब हम फिल्टर को काम में नहीं ले रहे होंगे। तो जितना पानी मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम पानी फिल्टर होगा वो कितनी देर में होगा, 23.5 घंटे, उसके हिसाब से निकाल लो कितना प्लान एरिया होगा फिल्टर का। कल भी हमने क्वेश्चन किया था फिल्टर का एरिया निकालने का, सेम वही अप्रोच है, सेम वही अप्रोच है। और एक फिल्टर की इसने साइज दे रखी है 10 मीटर इंटू 4 मीटर, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर आ जाएंगे, टोटल फिल्टर एरिया बता दो मुझे, टोटल फिल्टर एरिया में मैक्सिमम डेली डिमांड, और उसमें फिर 5% ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और ये पूरी वाटर सप्लाई होगी 23.5 घंटे, करिए। कितना पानी चाहिए डेली जिसको फिल्टर करोगे, समथिंग एमएलडी,
कितना एमएलडी पानी डेली सप्लाई करना है? कितना एमएलडी पानी डेली चाहिए? क्या हुआ? नाइन्टी नाइन। अब ये कह रहा है 5% साफ सफाई के लिए भी ऐड करो, बैक वॉशिंग के लिए भी पानी चाहिए, बैक वॉशिंग के लिए भी तो पानी चाहिए भाई। पहली बात तो फिल्टर को डिजर्व कितने के लिए करेंगे? मैक्सिमम डेली फ्लो के लिए। तो मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होगा? पॉपुलेशन है 275,000 और एक आदमी को पानी चाहिए 200 लीटर, और इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतना आ जाएगा, इतना लीटर पर डे। इसको 10^-6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मिलियन लीटर पर डे। कितना आया? 99। ये आ गया 99 मिलियन लीटर पर डे एमएलडी। अब इसमें क्या कह रहा है? 5% ऐड कीजिए बैक वॉशिंग के लिए, ऐड 5% एक्स्ट्रा फॉर बैक वॉशिंग। क्यों? क्योंकि इतना पानी तो हमको पब्लिक को सप्लाई करना है, 99 एमएलडी, इतना पानी तो पब्लिक को सप्लाई करना है, और फिल्टर की बैक वॉशिंग के लिए भी फिल्टर्ड वाटर ही रखते हैं, जो साफ पानी होता है वही रखते हैं। वो 5% ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 99 + 5/100 कितना एमएलडी? 99 + 5/100 × 99 कितना हो जाएगा? 103.95, 103.95 एमएलडी। ठीक है, अब ये जो 103.95 एमएलडी है, ये कितनी देर में फिल्टर होगा? क्योंकि बैक वॉशिंग में लगेगा आधा घंटा, तो बैक वॉशिंग में तो फिल्टर क्या कर रहा होगा? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एज बैक वॉशिंग टेक्स एज बैक वॉशिंग टेक्स 30 मिनट्स, इट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ वॉटर, विल बी फिल्टर्ड
इन 23.5 आवर्स, 23.5 घंटे, ठीक है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी जो रिक्वायर्ड है आपको, 103 या फिर डिस्चार्ज निकाल लो, 103.95 इंटू 10^6 है ये तो लीटर हुआ। इस लीटर को कन्वर्ट करेंगे अगर मीटर क्यूब में तो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर क्यूब हो गया, और इतना मीटर क्यूब पर डे है। इसको अगर मैं 23.5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, समथिंग मीटर क्यूब पर आर, कितना आया बताओ, समथिंग मीटर क्यूब पर आर। अभिनव सिंह, अभी तो बताया मैंने 5% डेड क्यों कर रहे हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो बैक वॉशिंग में जो वाटर काम आएगा वो फिल्टर्ड वाटर होगा, तो उसकी भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी अलग से। बैक वॉशिंग में क्या काम में लोगे, उस पानी को ऐड करके तुमको रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा, उस पानी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि 5% है वो, मतलब जो टोटल सप्लाई है टोटल सप्लाई का 5% है, तो करना तो फिल्टर ही है वो इतने देर में, तो हमको टोटल इतनी क्वांटिटी फिल्टर करनी है 23.5 घंटे में, जिसमें इतनी क्वांटिटी में से 99 तो पब्लिक को चला जाएगा और बाकी का जो बचा 5% वो बैक वॉशिंग में काम आएगा। बट ये तो, अरे यार इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या, 99 MLD तो पब्लिक को सप्लाई करना है, इतने तो लोगों को ही चाहिए, 2.5 लाख लोगों को चाहिए इतना, तो ये तो पब्लिक की सप्लाई के लिए है, बैकवॉशिंग नहीं है इसमें, इतना तो लोगों को देना है, ये बाकी का कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कर रहे हो बैकवॉशिंग के लिए। तो कितना आया रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो कितना आया, रेट ऑफ फ्लो कितना आया, रेट ऑफ फ्लो कितना, अच्छा 4423.40, 4423.40, 4423.40 मीटर क्यूब पर आर, ये रेट ऑफ फ्लो है। अब तुम्हारे पास क्यू का वैल्यू भी है, तुम्हारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी है, तो टोटल एरिया ऑफ फिल्टर बताओ कितना आएगा, टोटल एरिया ऑफ फिल्टर कितना आएगा बताओ, टोटल एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, कैसे करते हैं, एक तो तुमसे कोई भी तो पढ़ता नहीं है, सब टाइम पास करते हो तुम। एरिया ऑफ फिल्टर टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ फिल्टर क्यू बाय
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, ये मैंने लिखवाया भी था अगर, नहीं तो यूनिट से भी कर सकते हैं। क्यू का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 4423.40, 4423.40 मीटर क्यूब पर आर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आर, 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, समथिंग मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फिल्टर समथिंग मीटर स्क्वायर हाउ मच, ये टोटल फिल्टर का एरिया आएगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ टोटल फिल्टर, टू नाइन्टी फोर पॉइंट एट नाइन मीटर स्क्वायर, ये टोटल फिल्टर का एरिया है। अब इसमें से हमको एक यूनिट का डायमेंशन भी दिया है उसने, साइज ऑफ वन बेड, साइज ऑफ वन बेड कितना है 10 मीटर × 4 मीटर का, तो टोटल नंबर ऑफ बेड निकालना है तुमको, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट कितनी हो जाएगी 294.89 डिवाइडेड बाय 10 × 4, हाउ मच, हाउ मच, टोटल फिल्टर का एरिया इतना चाहिए, एक फिल्टर यूनिट इतने की है, तो टोटल यूनिट आ जाएगी कितने फिल्टर यूनिट चाहिए आपको, सेवन पॉइंट थ्री सेवन, आज साथ में तो काम चलेगा नहीं, 7.31 यूनिट चाहिए तो साथ में तो काम चलेगा नहीं, आधे यूनिट लगा नहीं सकते आप, तो 8 यूनिट चाहिए आपको। मुझे बताओ ये 8 जो यूनिट होंगी ये टोटल यूनिट होगी या ऑपरेशनल यूनिट होंगी, ये टोटल यूनिट होंगी या ऑपरेशनल होंगी, ऑपरेशनल होंगी, तो टोटल नंबर कितने चाहिए होंगे 8 + 1 = 9, 8 ऑपरेशनल और 1 स्टैंड बाय, इतने फिल्टर यूनिट चाहिए होंगे, इतने पानी की सप्लाई करने के लिए आपको 9 फिल्टरों की जरूरत होगी, 9 फिल्टर्स की जरूरत होगी। ये बात है, बहुत आसानी से हो जाते हैं सवाल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, लेकिन तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते। हो गया, अगला लिखिए टॉपिक, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ ले आज ये वाला टॉपिक, अब जो लिखवा रहा हूं ऑपरेशनल ट्रबल इन रैपिड सेंड फिल्टर, ऑपरेशनल ट्रबल इन रैपिड सेंड फिल्टर,
ऑपरेशनल ट्रबल, एक मिनट रुकिए, कौन बता सकता है ऑपरेशनल ट्रबल क्या क्या है रैपिड सेंड फिल्टर में? ऑपरेशनल ट्रबल क्या क्या है? एनीवन, तुम्हारा एग्जाम है ना आज, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। ऑपरेशनल ट्रबल इन रैपिड सेंड फिल्टर, ऑपरेशनल ट्रबल इन रैपिड सेंड फिल्टर क्या क्या हो सकता है? एक होता है एयर बाइंडिंग, एक होता है एयर बाइंडिंग, दूसरा होता है मड बॉल फॉर्मेशन, मड बॉल फॉर्मेशन, और तीसरा होता है क्रैकिंग ऑफ बेड, क्रैकिंग ऑफ बेड। ये तीन तरह के डिफेक्ट या तीन तरह की समस्या हो सकती है। लीकेज ऑफ सैंड नहीं होता। देखिए होता क्या है, अगर एक एक की बात करें, जैसे ये आपका फिल्टर मीडियम है, जैसे सपोज कीजिए ये फिल्टर मीडियम है, ठीक है। अब इस फिल्टर मीडियम में ऊपर से पानी आ रहा है, इस फिल्टर मीडियम में ऊपर से पानी आ रहा है, वो पानी क्या करेगा? उस पानी में कुछ इंप्योरिटीज वगैरह हैं जिनकी वजह से यहां पे एक बायोलॉजिकल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पे एक बायोलॉजिकल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद भी लगातार पानी आता जा रहा है, इसके बाद भी लगातार पानी आता जा रहा है। अब होगा क्या, ये जो लेयर है या जो भी इंप्योरिटीज इन वॉइड्स में पेनिट्रेट कर गई है, वो इंप्योरिटीज क्या करेंगी, ऊपर से जो पानी आ रहा है उस पानी को आगे जाने से रोकेंगे, उस पानी को आगे जाने से रोकेंगे। और वो जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस जब इस स्टैटिक हेड ऑफ वाटर से ज्यादा हो जाता है, जो पानी को रोकने का जो रेसिस्टेंस है, अगर वो इस स्टैटिक हेड से ज्यादा हो जाता है, तो इसके बॉटम वाले पार्ट पे, इस फिल्टर में नीचे की साइड वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम की वजह से जो पानी में अगर कोई डिजोल्व गैसेज है, क्योंकि इंप्योरिटीज तो यहाँ पे है, तो डिजोल्व गैसेज भी हो सकती है, तो वो डिजोल्व गैसेज रिलीज होंगी। उन डिजोल्व गैसेज के रिलीज होने से क्या होगा, गैस नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी फिल्टर मीडियम में और इसके पार्टिकल्स को चिपक जाए, जिसकी वजह से जिस एरिया में होके, जिस पोर के एरिया में होके पानी को फिल्टर होना था, वो एरिया कम हो जाएगा, वो एरिया कम हो जाएगा, और इस फिल्टर की जो इफेक्टिविटी है या इस फिल्टर की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, इस फिल्टर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये होता है एयर बाइंडिंग। तो इसको लिख लेते हैं पहले, इसको लिख लेते हैं पहले, एयर बाइंडिंग क्या है। द इनिशियल हेड लॉस ऑफ फिल्टर इज द इनिशियल हेड लॉस ऑफ फिल्टर इज 15 to 30 centimeter and this goes on increasing, and this goes on increasing
विद द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर, विद द ऑपरेशन ऑफ, विद द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर, विद द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर एज मोर एंड मोर, एज मोर एंड मोर इम्प्योरिटीज आर एड्रेप्ट, एज मोर एंड मोर इम्प्योरिटीज आर एड्रेप्ट इन द वॉइड्स ऑफ फिल्टर मीडियम, इन द वॉइड्स ऑफ फिल्टर मीडियम. अ स्टेज कम्स व्हेन, अ स्टेज कम्स व्हेन द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स, व्हेन द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, व्हेन द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस offered by the medium particles, offered by the medium particles exceeds static head of water, exceeds static head of water, static head of water due to which bottom layer of sand medium, due to which bottom layer of sand medium acts like a vacuum, acts like a vacuum, resulting in the release of dissolved gases present in water. The bubbles of these gases, rises towards the surface and get stick to the medium particles, surface and get stick to the medium particles, thereby reducing effective area of flow. thereby reducing effective area of flow through medium and significantly affects efficiency of filter. ये हुआ air binding. लिखो इसको.
हो गया। कि जब हेड लॉस ज्यादा हो जाएगा तब इसकी बार बार या एक डेफिनेट टाइम में बैकवॉशिंग की जाएगी। दूसरी जो बीमारी है वो है मड बॉल फॉर्मेशन। दूसरी जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम है फिल्टर में वो है मड बॉल फॉर्मेशन। मड बॉल फॉर्मेशन दूसरा। मड बॉल फॉर्मेशन देखिए, इस मड बॉल फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये फिल्टर है, जैसे हमारे पास ये फिल्टर है, ये फिल्टर के मीडियम है, इसके नीचे ग्रेवल के पार्टिकल्स हैं। अब अगर एटमॉस्फेयर से कोई मिट्टी वगैरह आती है, अब ये क्लोज तो होता नहीं, ओपन होता है, तो एटमॉस्फेयर से अगर कोई मिट्टी वगैरह आती है तो मिट्टी धीरे 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 इंट्रैप करके नीचे आती रहती है और इम्प्यूरिटीज के साथ मिलके थोड़ा सा अपना साइज बढ़ा लेते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे चिपक जाते हैं, यहाँ पे चिपक जाते हैं। अगर ये मिट्टी, अगर तुमने पर्याप्त सफाई नहीं की, बैकवॉशिंग नहीं किया, तो ये मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे ग्रेवल में आ जाएंगे और ग्रेवल में अगर अपनी साइज बढ़ाना शुरू कर दिया, पार्टिकल्स ने मिलके अगर ग्रेवल तक पेनिट्रेट कर गए, तो जब हम बैकवॉशिंग करेंगे तो उस बैकवॉशिंग में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बैकवॉशिंग में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और इस तरह से ये भी फिल्टर की एफिशियंसी को अफेक्ट करता है। कुल मिला के मड बॉल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से कुछ मिट्टी आएगी और पानी तो है ही, धीरे धीरे पार्टिकल बड़े होते जाएंगे और मड बॉल बना लेंगे, मतलब साइज में बड़ी हो जाएंगे। अगर वो ग्रेवल तक पेनिट्रेट हो जाती है तो फिर बैक वॉशिंग में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बैक फ्लो को भी परसिस्ट करेगा, वो क्या करेगा, बैक फ्लो को भी रोकेगा। तो इसमें लिख सकते हैं मड फ्रॉम एटमोस्फेयर, मड From atmosphere enters into filter medium, enters into filter medium, enters into filter medium over a period of time, over a period of time, over period of time due to inadequate washing, due to inadequate washing it settles down, it settles down in bottom layer, it settles down in bottom layer of medium, bottom layer of medium where it grows in size, where it
grows in size by combining with the impurities entrapped in the voids voids of medium leading to the formation of mud balls Next, once these mud balls enter into gravel layer, enters into gravel layer, it starts interfering with the distribution of backwash water, thereby seriously affect efficiency of filter. Efficiency of filter. To avoid adequate surface washing along with the use of potassium hydroxide KOH is adopted. इसको अवॉइड करने के लिए साफ करते हैं, सरफेस वॉशिंग करते हैं विद KOH. डन, सभी का सबने कर लिया. तीसरा है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर
देखिए फिल्टर हमेशा लोडिंग कंडीशन में रहता है और लोड भी इस पर दो तरह से लगता है, एक ऊपर से एक नीचे से, बैक वॉशिंग में नीचे की साइड से और लोडिंग कंडीशन में ऊपर की साइड से। इसके अलावा जब लोडिंग और अनलोडिंग कंडीशन, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब क्या है कि जब ऑपरेशनल कंडीशन में होता है और जब उस पर बैक वॉश किया जाता है तो उस बीच में ड्राई कंडीशन आ जाती है और डेली ये केस चलता रहता है क्योंकि बैक वॉशिंग उसकी डेली होती है। तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन की वजह से श्रिंकेज डेवलप हो जाते हैं फिल्टर मीडियम में, फिल्टर बेड में, उसकी वजह से उस पार्टिकल्स में क्रैकिंग होना शुरू हो जाती है। यही होता है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। तीसरा है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। तीसरी ऑपरेशनल ट्रबल है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फिल्टर मीडियम। ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फिल्टर मीडियम द मीडियम पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू श्रिंकेज स्ट्रेसेस दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ That leads to the development of shrinkage crack. Shrinkage cracks over the surface. As the surface of medium is subjected to constant application of water pressure, subjected to constant application of water pressure, constant application of water pressure, cracks once developed, increase in size, resulting in deeper penetration of impurities, resulting in deeper penetration of impurities. ये है ऑपरेशनल ट्रबल फिल्टर की। लिखो इसको, आज सिर्फ इतनी क्लास करेंगे, जिन लोगों का पेपर है वो पेपर दे लो, है ना, क्योंकि नया टॉपिक है, कल शुरू करेंगे फिल्ट्रेशन, सॉरी डिसइंफेक्शन। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो कल शुरू करेंगे, बाकी जिन लोगों का पेपर है वो पढ़ाई करो। हो गया, ठीक है, जिनका पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं शाम को।